आगे सबसे पहले एक द्वार गेट द टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। उत्तराखंड में आज एक बार फिर इतिहास रचा है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को पार्टी आला कमान ने भाजपा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास यह भी रहा है कि कोई एक मुख्यमंत्री दोबारा सीएम की शपथ लेता हुआ नहीं दिखा है। आइए बात करते हैं हरिद्वार में, काफी उत्साह का माहौल है। हमारे साथ हरिद्वार के युवा नेता मौजूद है, कन्हैया केवड़िया, काफी आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गई हैं, ढोल खुश दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तराखंड की युवा है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने भी युवाओं के हाथों में जो बागडोर संभाली है, उससे पूरा प्रदेश खुश है जी। अब जैसा कि देखा गया, 5 साल कोई भी मुख्यमंत्री कार्यकाल एनडी तिवारी के बाद पूरा नहीं कर पाया, क्या मानते हैं आप, कैसा होने जा रहा है? खाली है यार, खाली है। एक मिनट, अरे फाइट चल रही है मेरे भाई, दोबारा भाजपा बहुमत के साथ वापसी करिए, ये वाला अरे बहुत सारे युवा नेता है यार, नेता बनना इतना आसान है यार। उत्तराखंड के जो विकास कर रहे हैं, आप मांग करेंगे पुष्कर सिंह धामी से कि इनको सबसे पहले कार्य वो पूरा करें? भाजपा के 5 वर्षीय योजना में बहुत भरपूर विकास कार्य यहाँ पर उत्तराखंड में हुआ, आने वाले समय में भी आप देखेंगे बड़े रूप से विकास कार्य यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने सुना हमारे साथ कार्यकर्ता जो है नारेबाजी कर रहे थे, पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।